तो दोस्तों शायद अभी लॉकडाउन की वजह से आप सभी लोग घर पर ही हो एंड ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो। एंड इंटरनेट पर क्या हो रहा है, सभी लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उसके बाद पकड़ लीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी कर रहे हैं। कोई कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई यहाँ पर मूवीज़ भी देख रहा है, जो जैसे चाहता है इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। तो फिलहाल क्या है, इस टाइम पर हम सभी को इंटरनेट का ज़्यादा चाहिए, इंटरनेट हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एनी टाइम 24 आवर्स अभी घर में है और इंटरनेट पर यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा इंटरनेट को कैसे आप सेव कर सकते हो। एक्चुअली मैं सारे यहाँ पर सोशल मीडिया के बात आप सभी से नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअली मैं कुछ कुछ यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि अगर आप फेसबुक देख रहे हो तो वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो है उसको ऑटो प्ले को यहाँ पर बंद कर देना है। अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब का भी यहाँ पर ऑटो प्ले को बंद कर देना है एंड क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज करके देखना है, जैसे कि 360p क्वालिटी पर आप यूट्यूब को यहाँ पर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपसे को बताऊंगा व्हाट्सएप, जो सबसे मोस्ट एकदम ट्रेंडिंग जो है मैसेजिंग ऐप है, जहाँ पर हम सभी लोग चैट करते हैं ज़्यादा टाइम। अभी मैं तो फिलहाल ज़्यादा व्हाट्सएप पर ही यहाँ पर मतलब ज़्यादातर व्हाट्सएप पर ही मैं यहाँ पर ऑन हो एक्टिव हूँ एंड और भी जैसे फेसबुक पर भी एक्टिव हूँ थोड़ा बहुत एंड, लेकिन ज़्यादा हम व्हाट्सएप पर एक्टिव है। शायद आप सभी लोग भी यहाँ पर व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव है। तो इंटरनेट को सेव कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर एक नहीं तीन सेटिंग्स आप सभी को बताऊंगा। इस तीन सेटिंग्स को आप कर लीजिए, अगर आप तीन सेटिंग्स को कर लेते हो तो व्हाट्सएप पर आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो इस टाइम पर हम सभी लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जितना हम सभी का इंटरनेट सेव होगा उतना ही हम सभी के लिए शायद प्रॉफिट है। तो मैं आप सभी को इस साइड पर दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप पर कौन सा ऐसा तीन सेटिंग्स आपको करना है, कैसे करना है एंड क्यों करना है, कैसे यहाँ पर इंटरनेट को आपको सेव होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए, वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ये तीन सेटिंग्स करने के लिए आपको जो है सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरी व्हाट्सएप पर जाऊँगा, उसके पहले मैं यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको मैं चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर चालू हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो गया, आप इस साइड पर उसको देख सकते हो। फिर अभी क्या करने मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपको जो है सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाना है, मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पर जाता हूँ। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स पर, व्हाट्सएप की जो सेटिंग्स होता है उस सेटिंग्स पर आपको जाना है। तो सेटिंग्स कहाँ मिलते हैं शायद आपको पता है, मैंने एक दो वीडियो पर भी आपको दिखाया है। जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेटा एंड स्टोरेज यूज जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो मीडिया ऑटो डाउनलोड जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है। जो यहाँ पर लिखा है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, यहाँ पर आपको जाके यहाँ पर सिर्फ फोटोज़ को इनेबल कर सकते हो। मतलब यहाँ जो मेरा फोटोज़ पर यहाँ पर एक राइट ट्रिक है, इस टिक को आप देख के रख सकते हो। ऑडियो वीडियोस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप टिक को यहाँ पर हटा दीजिए फिलहाल इस टाइम पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर कोई आपको वीडियो या फिर ऑडियो या फिर डॉक्यूमेंट सेंड करता है, मान लीजिए कोई वीडियो ही सेंड किया जिसका 10 MB या फिर 20 MB या फिर 15 MB का पकड़ लीजिए हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो गया, आपका 15 MB यहाँ पर चला गया। तो आप नहीं चाहते उस वीडियो को डाउनलोड करना, लेकिन ऑटोमेटिकली वहाँ पर डाउनलोड हो गया, तो आपका क्या हुआ, 15 MB यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर सिर्फ फोटोज़ को यहाँ पर इनेबल कर देना है, बाकी यहाँ पर जो टिक है इसको हटा देना है, फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इस सेटिंग्स को करने अगर आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, आपके इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं दूसरा जो सेटिंग्स है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। दूसरा सेटिंग्स क्या है बता देता हूँ। दूसरा सेटिंग्स से अभी हम लोग शायद व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो भी है कर रहे हैं एंड व्हाट्सएप पर कॉलिंग का जो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटरनेट जो है थोड़ा ज़्यादा लेता है व्हाट्सएप कॉलिंग पर, चाहे वीडियो कॉल में ज़्यादा लेता ही है, ऑडियो कॉल में ज़्यादा लेता है। आपको क्या करना है, ये जो डेटा एंड स्टोरेज यूज जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा, लो डेटा यूज रिड्यूस डेटा यूज इन कॉल, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनेबल कर लेना है। मैं जैसे कि यहाँ पर इनेबल कर लिया है, आपको भी इसको इनेबल कर लेना है, तो जब आप किसी को कॉल करोगे ऑडियो या फिर वीडियो कॉल हो गया, यहाँ पर आपका इंटरनेट का थोड़ा सा बचत होने वाला है। अब बताता हूँ मैं तीसरा सेटिंग्स जो है, फिलहाल आपको अभी इस टाइम पर जो है ज़्यादातर चैट बैकअप, हम सभी लोग व्हाट्सएप की चैट को बैकअप कर लेते हैं, तो इस टाइम पर आपको चैट बैकअप को थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑफ करके रखना है या फिर एक सेटिंग्स कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये जो चैट्स का जो ऑप्शन है, चैट्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये जो है
चैट बैकअप का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है एंड बैकअप ओवर जो है यहाँ पर आपको वाईफाई ऑनली कर लेना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वाईफाई और सेलुलर, एंड सेकंड जो है फर्स्ट जो है वाईफाई एंड सेकंड जो है वाईफाई और सेलुलर। मतलब आप अगर वाईफाई को ऑन कर वाईफाई के साथ अपने फोन को कनेक्ट करते हो तो भी आपका चैट बैकअप हो जाएगा, एंड अगर मोबाइल डाटा को आप ऑन करते हो तो भी आपका चैट यहाँ पर बैकअप हो जाएगा। तो आपको क्या है, यहाँ पर सिर्फ वाईफाई को अभी इनेबल करके रखना है, वाईफाई और सेलुलर को इनेबल नहीं करना है। तो अगर आपका फोन बाई चांस या फिर जानबूझ कर जो भी है वाईफाई के साथ किसी का वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ही आपका चैट यहाँ पर बैकअप हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल डाटा को यूज़ करके आप व्हाट्सएप को चला रहे हो तो आपको व्हाट्सएप यहाँ पर मतलब चैट जो व्हाट्सएप चैट है वो बैकअप नहीं होगा। तो फिलहाल इस टाइम पर ये आपके लिए शायद ज़रूरी है। सो दोस्तों ये थी कुछ तीनों सेटिंग्स जो आपको व्हाट्सएप पर अभी फिलहाल कर लेना है, जिस पर आपका इंटरनेट थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।